उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये नमक हमें चाहिए हसबे जायका, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। और ये कुटी हुई मिर्च हमें चाहिए 1.5 टीस्पून और पाउडर सुरख मिर्च का चाहिए 1 टीस्पून और ज़ीरा हमने लिया है 1.5 टीस्पून और ये खुशक धनिया हमने लिया है 1.5 टीस्पून और ये टमाटर हमने एक अदद लिया है, इसके बीज रिमूव करके इसको बारीक बारीक काट लिया है। जो ये प्याज मैंने लिया है आधा और इसको भी मैंने ऑमलेट कटिंग कर ली है। ये शिमला एक अदद ली है छोटी वाली, तो इसको भी मैंने बीज रिमूव करके इसको भी अच्छे से काट लिया है। जी ये मैंने हरी मिर्च ली है 5 अदद और इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चिकन हमने लिया है 300 ग्राम और आलू भी हमने लिए हैं 350 ग्राम, आधा किलो से कम थे, 2 आलू थे बड़े। आइए अब हम आपको आलू और चिकन के कटलेट्स बनाना बताते हैं। ये देखें गाइस, मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये देखें, इसमें मैंने वो जो मोटे मोटे आलू काटे हुए थे वो डाल दिए, साथ 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1 गिलास पानी का, और साथ हमने ये चिकन को कट लगा के ये भी डाल दिए हैं। तो गाइस ये इसमें मैंने इसलिए डाले हैं कि हमारा काम ज़रा जल्दी हो जाए और जो ये आधे घंटे का काम है वो हमारा 5 मिनट में हो जाएगा। तो आइए अब मैं 5 मिनट वेट लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखे गाइस, 5 मिनट वेट चल गई है, तकरीबन टोटल 10 मिनट लगे हैं, 5 मिनट ये वेट चलने में लगे थे और 5 मिनट वेट चल गई है। तो आइए अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखे गाइस, इस कंडीशन में आ गया है। ये देखें, ये बहुत अच्छे से चिकन भी गल गया है और आलू भी। तो आइए अब मैं इसको बाहर निकाल। जी ये देखें, आलू को मैंने मैश कर लिया है, ये बहुत अच्छे से गल गए थे, इसको आलू मैशर से मैंने मैश कर लिया। और ये देखें, ये चिकन है, चिकन को भी मैंने रेशा रेशा कर लिया है, ये बॉयल हुआ था। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये चिकन में आलू में डालने लगी हैं, ये देखें, ये बहुत मज़े के कटलेट्स बनेंगे। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे ये खुशक धनिया और ये जो हरी सब्ज़ी है शिमला, ये बहुत मज़े की है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो रहने दें, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें हरा धनिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये हरी मिर्च है, ये भी हम डाल देंगे, अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर ये चाहे ना डालें। ये देखें, ये हम टमाटर डालने लगे, ये खूबसूरती के लिए हैं, ये हम डाल देंगे, इससे ये ज़रा हमारे कटलेट्स में बहुत अच्छी खूबसूरती आएगी। ये देखें, ये प्याज है, ऑमलेट कटिंग मैंने की है बारीक बारीक, ये मैंने डाली है आधा प्याज है। ये ज़ीरा है साबुत, ये मैं इसी तरह डाल दूँगी और ये कुटी हुई मिर्च और ये रेड मिर्च है, ये भी मैं इसी तरह इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखा। ये देखें गाइस, कितने अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखें कितना अच्छा, और ये कलर देखें और इसकी खूबसूरती देखें, हरी बड़ी सब्जियों की तरह ये बहुत अच्छा लग रही है। लेकिन ये देखें, ये आप कह रहे होंगे कि ये अभी पतली है, इससे हमारा कटलेट्स नहीं बनेगा। तो अब हम इसको, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये हमने लिए ब्रेड क्रम्स, ये हमने ब्रेड क्रम्स लेनी है और ये देखें हम इधर से एक चम्मच उठाएँगे ऐसे और ये देखें इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको ऐसे करके इसमें ज़रा हमने अच्छे से कर लेना और ये देखें ऐसे ही हमने इसकी गोल सी, ये गोल सी टिक्की बना लेनी है, कटलेट्स कहते हैं इसे। ये देखें, ये देखें गाइस, कितना अच्छा सा हमारा कटलेट्स बन गया। ये देखें, और ये बिल्कुल नहीं, हाथों को भी नहीं चिपकेगा। मैं आपको एक और बताती हूँ बनाना। ये देखें, साथ ये हमारी को मैश हो जाएगी, मैंने ये एक एक चम्मच लेना है बस। ये देखें, एक लेके इसको ज़रा हमने अच्छी तरह कर लेना, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना खुशक आटा लगा के, इस तरह हम ये समझे कि खुशक आटा लगा रहे हैं ये इसको। और ये देखें, ये अच्छे से करके ये हमने ऐसे ही, ये देखें कितना अच्छा सा गोल सा कटलेट्स बना लिया हमने। ये देखें, देखें गाइस कितना अच्छा और ख़ूबसूरत है। वहीं मैंने ये सारे कटलेट्स बनाने हैं, ये अपने ये जो सब्ज़ी का ये मिक्सचर है,
आलू का, चिकन का और ये सब्जियों का मिक्सचर है। ये हमने इस तरह इसके कटलेट्स बना लिए हैं। अब मैं सारे कटलेट्स बना के आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इसी तरह ही बनाएंगे। गाइस, मैंने आलू के सारे कटलेट्स बना लिए हैं। ये देखे कितने हरे बड़े और कितनी इसकी खूबसूरती आई है। तो ये मैंने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। सिर्फ मैंने दो पोटैटो लिए थे, तो इसमें 350 ग्राम मेरे आलू थे और 300 ग्राम चिकन था। तो ये देखें तकरीबन 25 कटलेट्स बने हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। तो आइए अब अगला काम इसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें गाइस, मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल खुला डाल दिया है और नीचे से चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है। ये मैंने थोड़ी देर पहले रख दिया था कि हमारा ऑयल अच्छे से ये गर्म हो जाए। तो आइए अब हम अपने कटलेट्स डीप फ्राई करते हैं। ये हमारी ब्रेड क्रम्स है। अब मैं ये देखें और ये हम अंडा ले लेंगे, ये अंडा ले लेंगे। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे। ये देखें अंडे में डिप करके अब हम इसको ये ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और ये खुश्क हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखें ये लगा के अब हमने इसको डीप फ्राई करना है। ये हमारा रेडी हो गया है डीप फ्राई के लिए। ये देखें गाइस, ये हमने चेक करना है कि ऑयल की हीट कितनी है। ये मेरे हाथ को बर्दाश्त हो रही है कि ये इतनी सी हीट है। तो ये हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने ये अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाया है और इसको इसमें डाल दूँगी। ये देखें ये खुले खुले करके हमने डाल देने हैं इसी तरह। ये देखें गाइस, अभी मैंने सिर्फ इसमें 6 पीस ही डाले हैं तो इतना ही रहने देती हूँ। अब मैं इसको पहले फ्राई कर लूँ फिर बाद में दूसरा निकालूँगी। गाइस अब तकरीबन 1 मिनट हो गया है इसको एक साइड पे। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। ये देखें देखें गाइस कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया, क्योंकि इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है, सिर्फ हमने डीप फ्राई करना है इसको। ये देखें इसी तरह मैंने इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह गोल्डन करना है और गोल्डन करके मैं इसको निकाल दूँ। ये देखें गाइस ये तकरीबन 3 मिनट लगे हैं मुझे और ये हमारे कटलेट्स फ्राई हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, ये देखें गाइस कितनी अच्छी इसकी खूबसूरती आई है। ये करीब से देखें, ये देखें कितने अच्छे और कितने खूबसूरत आए हैं। मैं इसी तरह ये सारे निकाल लूँगी। ये देखें गाइस, मैंने मीडियम आंच पे ये फ्राई किए हैं और ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इसी तरह अपने सारे कटलेट्स फ्राई करके और आपको डिश आउट करके दिखा। गाइस चिकन और आलू के कटलेट्स बन के तैयार हो गए हैं। आइए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें गाइस कितने अच्छे और ये देखें कितनी खूबसूरती इसमें आई है। ये देखें गाइस ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको तोड़ के एक दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से और ये देखें कितने मज़े के बने हैं। ये देखने में भी कितने, ये देखें हरे भरे हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत मज़े के बनेंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर दें।